नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। उद्धव ठाकरे, आप खुद का घर नहीं संभाल सके और निकले हैं देश के विपक्ष को जोड़ने, यह कहना है प्रवक्ता राम कदम जी का। जो लोग अपने खून के रिश्तेदार, भाई, भाभी, पूरा परिवार को भी साथ में जोड़ कर रख नहीं सके, इतना ही नहीं बल्कि बाला साहेब, बाकी सेवा करने वाले सेवक, घर के कर्मचारी, नौकर भी जिन्हें छोड़कर चले गए, विधायक, सांसद छोड़िए कैबिनेट मंत्री तक वे खुद के साथ जोड़ नहीं पाए और वे निकले हैं आदरणीय मोदी जी के खिलाफ सबको एक करने के लिए। लगता है रात की अब तक शायद उतरी नहीं है। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी आज के सामना अखबार में कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वे देश के समूचे विपक्ष को एक साथ जोड़ेंगे। वे खुद के घर को संभाल नहीं पाए, खून के रिश्तेदार, सगा भाई, भाभी, उनके बच्चे, सारा परिवार जिन्हें छोड़ के चला गया। इतना ही नहीं बल्कि स्वर्गीय बाला साहब की जिन्होंने सेवा की, वे सेवक तक उन्हें छोड़ करके चले गए, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री जो उनके साथ रह न सके, और वो निकले हैं देश के विपक्ष को एक साथ जोड़ने के लिए। सवाल पूछना चाहते उनसे कि औरों की चिंता का यह समय नहीं है, खुद के चिंतन का समय है। 2024 में उनकी करारी हार यह सुनिश्चित है। देश के समूचे विपक्ष को इस हार का सामना करना पड़ेगा और वही कारण है कि ईवीएम मशीन के नाम पर अभी से रोना उन्होंने आरंभ कर दिया है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।